WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 7 दिनों में अमेरिका और ब्राजील से भी अधिक कोरोना संक्रमण के केस आए हैं, जबकि ये दोनों देश दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 4 से 10 अगस्त के बीच दुनिया भर में हुए संक्रमित मरीजों में 23% भारत से ही थे। इसके साथ ही 15% लोगों की जान भी गई। भारत में पिछले 7 दिनों में यानी 10 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 6,251 लोगों की मौत हुई। इसी अवधि में अमेरिका में करीब 3.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 7,232 लोगों ने अपनी जान गंवाई।